हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल. वेलकम बैक टू अनदर हॉल वीडियो, जो कि होने वाला है मिंत्रा हॉल. येस, तो ये मिंत्रा हॉल का क्लोथिंग हॉल का वीडियो लेके आई हूँ. तो ये हैं हमारे कुछ मिंत्रा हॉल से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एथनिक भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ कॉर्ड सेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. अमेजिंग कलेक्शन है, फुल समर वेयर कलेक्शन है गाइज. आई होप आपको मेरा ये कलेक्शन अच्छा लगेगा एंड मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा. तो बिना टाइम वेस्ट किए ना जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करती है. तो सबसे पहले ना मैं कॉर्ड सेट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कॉर्ड सेट आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है. तो ये दोनों कॉर्ड सेट्स है, एक बिल्कुल कैजुअल है, एक थोड़ा सा फ्यूजन वेयर में है, और आप इसको कहीं के छोटे मोटे फंक्शंस में भी पहन सकते हो. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कैजुअल वेयर से. प्योर कॉटन का ऑल अबाउट यू का, वैसे तो ये कुर्ता सेट की कैटेगरी में मुझे मिला, लेकिन इट लुक्स लाइक कि ये कॉट सेट है. तो ये प्योर कॉटन में है, इसका कलर भी समहाउ हमने समर्स वाला ही चूज किया है, इसमें ऐसा कोई कलर ऑप्शन नहीं था. तो ये है सिंपल पैंट्स, एंड गाइस ये प्योर कॉटन है टच करने पे भी, और हमें इस पैंट्स में एक भी पॉकेट नहीं है. ठीक है, ठीक है. तो सिंपल पैंट्स है, स्ट्रेट पैंट्स है, और पीछे इलास्टिक है, आगे बेल्ट मिल जाएगी, सो दैट एक अच्छा फिटिंग आता है इससे. नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ता, एंड ये कुर्ता जो है ना सिंपल कुर्ता है, एंड ये हाई लो कुर्ता है ऐसा मेंशन है, पर ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस में आता है हाई लो कुर्ता. एंड 3/4 इसकी स्लीव है, थोड़ी सी ना ऐसी बेल स्लीव्स है, ठीक है, तो जो कि अच्छा लग रहा है काफी. एंड सिंपल सा ये कुर्ता है, इसमें भी कोई पॉकेट नहीं है, एंड ये हमें की होल नेक यहाँ पे मिल जाता है, एंड ये पहना हुआ भी काफी स्मार्ट पीस लग रहा है. तो आप इसको एज अ कॉर्ड सेट भी पहन सकते हो और एज अ नाइट सूट भी पहन सकते हो, बट आई मस्ट से ये कॉर्ड सेट ज्यादा स्मार्ट लगेगा. एंड बहुत ही प्यारा फैब्रिक है इसका, प्योर कॉटन, जो सिल्की वाला होता है ना वो बिल्कुल नहीं है, हल्का सा गोल्डन पेंट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो. बट आई थिंक ये ऑल अबाउट यू का है, तो मुझे उतना पेंट उतरने की दिक्कत नहीं है, ये अच्छा चलने वाला पीस है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत ही सिंपल समर वेयर के हिसाब से बहुत अमेजिंग पीस है. नेक्स्ट आई हैव दिस वेरी स्टनिंग पीस गाइस. तो ये है, मैंने मंगाया फ्रॉम नयम बाय लक्षिता, विच इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड. तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुर्ती की. तो ये ए शेप में कुर्ती है, नीस से थोड़ी ऊपर आ रही है, बट मुझे पता नहीं था ये ए शेप में है, मुझे लगा था स्ट्रेट फिट में है. तो ये समहाउ थोड़ा सा कुर्ती लुक दे रही है, तो आप इसको किसी ब्लैक पैंट्स के साथ भी कैरी कर सकते हो. अगेन हमें मिल जाती है यहाँ पे 3/4 स्लीव्स, एंड इसका फैब्रिक है विस्कॉस रेयॉन. तो 3 फैब्रिक्स हमारे सबसे ज्यादा चलते हैं समर्स में, कॉटन रेयॉन एंड विस्कॉस रेयॉन. विस्कॉस रेयॉन थोड़ा सा प्रीमियम लगता है पहनने में, जो आप इसको थोड़ा सा आउटिंग में पहन सकते हो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत ही प्यारा. इसके प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा, कलर इसका रस्ट कलर, विच इज वेरी अमेजिंग फॉर दी समर्स. तो ये हमें इस टाइप का है. तो ये है हमारा ए लाइन में, तो इसका एंड यहाँ पे हमें कोई भी कट भी नहीं मिल रहा, एंड अगेन हमें अगेन यहाँ पे कोई भी पॉकेट नहीं मिल रही. बात करते हैं इसकी पैनलिंग की. अगेन बंद गला है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क है मोतियों का, आप देख सकते हो थोड़ा सा मोतियों का डिटेलिंग वर्क है, विच इज लाइक कि थोड़ा सा स्मार्ट पीस लग रहा है, एंड ये पहना हुआ भी बहुत स्मार्ट लग रहा था मुझ पर. नेक्स्ट आते हैं हम इसकी पैंट्स पे. इसकी दोनों साइड हमें मिल जाती है पॉकेट, और पैंट के नीचे मिल जाती है हमें इस टाइप की हल्की सी डिटेलिंग, एंड पैंट की फिटिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे, बिल्कुल स्ट्रेट जो ट्राउजर्स वाली फिटिंग होती है वो. एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें इन्होंने हमें एक स्कार्फ का एड ऑन दिया है, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा. तो आप इस तरह से अपने नेक पे या कहीं भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो इसके साथ, और ये आप अलग से भी किसी के साथ कैरी कर सकते हो. तो ये मुझे अच्छा लगा इन्होंने जो मुझे ये बेस्ट पार्ट दिया है, क्योंकि ये काफ़ी कम देखने को मिलता है, हमें अलग से बाय करना पड़ता है, या बहुत ही कम पीसेस में देखने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ये दो ये कॉर्ड सेट नहीं है, ये एक टॉप है, कि स्कर्ट एंड दोनों मैंने अलग अलग बाय किया है. तो ये है कीबो का टॉप, विच इज़ अ क्रॉप टॉप, जॉर्जेट फैब्रिक है इसका, इसकी भी बेल स्लीव्स हैं, यहाँ पे हमें इलास्टिक मिल जाती है, तो आप इसको यहाँ तक भी, यू नो अम्ब्रेला स्लीव्स है तो यहाँ तक भी कर सकते हो, यहाँ तक भी कर सकते हो. एंड इसका जो ये इलास्टिक है ये काफ़ी टाइट है, तो आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो. एंड हमें मिल जाता है एक डीप वी नेक, जो कि मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली पहना था, तो मैंने यहाँ पे पिन अप किया था बिकॉज ये डीप वी नेक है. सबसे बेस्ट पार्ट्स क्या होती है आपके क्लोथिंग की, कि हाउ यू कैरी इट. ठीक है, हमें डीप मिलता है, हमें थोड़े से स्टाइलिस्ट मिलते हैं, हमें स्लीवलेस मिलता है, तो हाउ वी कैरी इट ये डिपेंड करता है. तो मैंने इसको सेफ्टी पिन लेके कैरी किया. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है थोड़ा सा ना
ऐसा चुंटे मिल रही है हमें यहाँ पे, सो ये एक काफी अच्छा लुक आया है। तो सबसे बेस्ट पार्ट इस टॉप का ये कि अगर आपका टमी है तो इस टॉप में आपका टमी बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन्होंने यहाँ पे चुंटे डाल के थोड़ा सा फॉलिंग दे दिए ना, तो ये लुक ऐसी आएगी कि आपका टमी शो ही नहीं होगा, क्यों सामने वाले पर्सन को लगेगा ना कि ये टॉप का लुक ही ऐसा है। तो सबसे अच्छा ये लगा। एंड पीछे से आपको ना यहाँ पे ऐसे इलास्टिक मिल जाती है जो आपकी फिटिंग को अमेजिंग बनाता है। तो इस टाइप के क्रॉप टॉप्स आजकल बहुत चल रहे हैं। तो ये है बाय कीबो, तो कीबो के इस टाइप के टॉप्स आजकल बहुत चल रहे हैं। इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, प्लस फ्लोरल है थोड़ा सा जॉर्जेट में, विच इज़ वेरी अमेजिंग। तो इसको मैंने स्टाइल किया था इस ब्लैक पेंसिल स्कर्ट के साथ जो कि स्लिट वाली है साइड इसकी। ये सिंपल सी पेंसिल स्कर्ट इसको कहते हैं, स्ट्रेट फिट की स्ट्रेट फिटिंग है इसकी। एंड दिस इज बाय सासाफारस। तो प्रॉपर है ये इलास्टिक में ऊपर, एंड कुछ नहीं है, ये पूरी आपकी ये फ्लेक्सिबल है, आपकी स्ट्रेचेबल है, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है जो कि आपकी पूरी लुक को ना, आपकी पूरी बॉडी को ही काफ़ी प्योर शेप देता है। एंड आपको यहाँ स्ट्रेट में साइड में मिल जाती है इतनी सी स्लिट जो कि चलते वक्त बहुत ही स्मार्ट लगती है। गाइस ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड स्कर्ट ना स्ट्रेट फिटिंग में, तो आप इसमें जा सकते हो। ओके नेक्स्ट आते हैं हम अपने इस प्यारे से सूट पे। तो रिसेंटली मुझे जाना था गुरुद्वारा और मुझे कुछ ऐसा ब्राइडल कलर पहनना था, तो मैंने ऐसा कुछ ब्राइट सा कलर लिया। दिस इज बाय वरांगा और ये है साइज M, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इस पे पूरा एक योग डिजाइन है, आप देख सकते हो, एंड नीचे हो रखा है थोड़ा सा और वर्क, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम जरी वर्क, और ये पूरा सूट में और कोई भी वर्क नहीं है, प्लेन सूट है, सिल्क इसका फैब्रिक है और थोड़ी सी डिटेलिंग मिल जाती है ऐसे स्लीव्स पे। तो ये पूरा ऐसा वर्क है और हमें अंदर इसका फैब्रिक में अंदर हमें लाइनिंग भी मिलती है, जो कि अगर ये सूट अगर शीयर है तो शीयर नहीं लगता है। एंड दिस लुक्स सो अमेजिंग, बहुत ही प्यारा आपका इंडियन टोन पे जाने वाला कलर है। तो सबसे प्यारा मुझे इसका जो योग डिज़ाइन है ना वो बहुत प्यारा दिखा, मतलब एक सिंपल सूट को भी थोड़ा सा इसने एथनिक लुक दे दिया है। तो इसके साथ आ जाती है हमारे पास अगेन स्ट्रेट पैंट्स, एंड पैंट्स के एंड में भी हमें डिटेलिंग देखने को मिलती है जो कि काफ़ी कम सूट्स में हमें देखने को मिलती है। एंड अगेन हमें इसमें कोई भी पॉकेट्स नहीं मिल रही है, एंड पैंट में भी कोई लाइनिंग हमें नहीं मिल रही है, बट इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। इसके बाद आती है बात दुपट्टे की, जिसमें इस तरह की ना ऐसी पंजाबी सिखड़ियों वाली जो लाइनिंग वो होती है लेसेस, इस तरह की लेसेस जो पहले चलती थी, ये अब फिर से वरांगा के सूट्स में ही आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगी। तो इस टाइप की लाइनिंग अब फिर से देखने को मिल रही है, एंड ये बहुत ही प्यारी लग रही थी ये लेसेस। तो इसका फॉल एंड इसकी जो चुन्नी की लेंथ है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिली। तो ये है हमारी पूरी 2.5 मीटर की चुन्नी, एंड जॉर्जेट फैब्रिक में है पूरी की पूरी, एंड काफ़ी लाइट वेट है। तो अगर आप इसको सिर पे ओढ़ते हो या साइड में से लेते हो तो इसका जो फॉल आता है इस चुन्नी का, ये बहुत ही अमेजिंग मुझे देखने को मिला। मुझे ये सूट काफ़ी सिंपल लगा। तो जिनको ज़्यादा सूट्स पहनना पसंद नहीं है, जैसे कुछ मिनिमल लुक्स वाले सूट्स पसंद है, तो आप इस पे जा सकते हो। वरांगा के सूट्स की वैरायटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लास्ट पीस की जो कि है ये लिबास का स्कर्ट कुर्ता सेट है, तो ये है पूरा इंडिगो में, इसका कुर्ती पूरी इंडिगो में है, दुपट्टा इंडिगो एंड लाइट ब्लू मिक्स है, एंड हमें साथ में मिलती है बहुत ही प्यारी घेरे वाली स्कर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिबास की, एंड दिस इज़ बाय लिबास, साइज़ है L। तो हमें यहाँ पर मिल जाती है ये प्योर कॉटन की कुर्ती, जिसके साइड में है हाई स्लिट और साइड में ऐसे डोरी सा ये पैटर्न दे रखा है, जो कि बहुत अच्छे से आपकी कुर्ती की डिज़ाइन को काफ़ी अच्छे से एनहेंस करता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, सिंपल सी एक वी नेक में कुर्ती है, और हमें मिल जाती है यहाँ पे सिल्वर कलर की डिटेलिंग, सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे नेक में समोसा लेस देखने को मिलेगी, दैट्स इट। तो इसके नीचे भी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल कुर्ती है फैब्रिक की बनी हुई, एंड हमें साथ में ना यहाँ पे स्लीव्स भी मिली है। तो अगर इन केस किसी को पसंद नहीं है स्लीवलेस, तो आप स्लीव्स भी लगवा सकते हो। सो मुझे ये कुर्ती का डिज़ाइन आपको सिंपल लग रहा होगा, अभी दिखाती हूँ। इसके बाद आती है ये स्कर्ट, स्कर्ट में आपको जग पूरी हमारी यहाँ पे इलास्टिक सी मिलती है, जगह जगह आपको ये सिल्वर डिटेलिंग देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे
एक इसके नीचे और सबसे नीचे इस घेरे में आपको सिल्वर डिटेलिंग मिलने को मिलती है, देखने को मिलेगी। और ये इसका घेरा, सी गाइस कितना बड़ा घेरा है इसका, मतलब इसका जो फ्लेयर आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। तो इसमें शरारा भी होता तो काफ़ी अच्छा लगता, बट स्कर्ट है विच इज़ वेरी गुड और सिंपल सी है, बाय लिबास इसमें भी लिखा है। सो ये सिंपल सी स्कर्ट है जिसका घेरा बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन, इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट लगा मुझे। एंड इसके बाद आता है आपका दुपट्टा जो कि कॉटन में है, एंड इसके चारों तरफ आपको मिल जाती है अगेन ये समोसा लेस जो कि पूरा सिल्वर और इंडिगो का बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये ओढ़ने में भी यू नो काफ़ी स्मार्ट लगा, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसको अगर आप हम सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पेयर अप करेंगे ना, ये बहुत स्मार्ट लगेगा। सो यस गाइस, ये था मेरा पूरा मिंत्रा हॉल, पूरा मिंत्रा क्लॉथिंग हॉल, जिसमें आपको एथनिक फ्यूजन वेयर एंड थोड़ा सा आपको यू नो स्टाइलिश कॉटसर्ट्स भी देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरा ये पूरा हॉल अच्छा लगा होगा, मिंत्रा का क्लॉथिंग हॉल। गाइस लास्ट तक बनाए रहने के लिए थैंक यू सो मच, आई रियली मीन इट। अगर आपको मेरा ये हॉल अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना सबके साथ, एंड अगर आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक मेंशन कर दूंगी, इनकेस अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। आपको मेरा ये पूरा कलेक्शन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में किसी नए हॉल के साथ या फिर कोई मेकअप वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।